अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा की जानिब से सितंबर महीने में उमरा रवाना होने वाले आजमीन हजरात के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया था। गुलबर्गा शहर में अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स को हाफिज़ो खारी जनाब मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब के ज़ेर निगरानी में चलाया जा रहा है। 7, 19 और 23 सितंबर को कुल 3 ग्रुप सितंबर महीने में अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए रवाना हो रहे हैं। उमरा और हज एक ऐसा अमल है जिसमें लोग लाखों रुपया खर्च कर सफ़र तय करते हैं। इतना पैसा लगाकर जब कोई हज और उमरा के लिए रवाना होता है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि उसके साथ कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो हज उमरा के हर फ़राइज़ को बारीकी से समझा सके। और अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से हर महीना 3 से 4 ग्रुप उमरा के लिए सफ़र तय कर रहे हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इस ट्रैवल्स को हाफिज़ो खारी जनाब मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब के ज़ेर निगरानी में चलाया जा रहा है। मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही ने एक रोज़ा तरबियती कैंप में तमाम सितंबर महीने में उमरा रवाना होने वाले हजरात को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक तमाम फ़राइज़ और ज़रूरियात समझाए हैं। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने खासकर उलमा इकराम के लिए अक्टूबर महीने में सिर्फ 82,000 रुपये में सुपर सेफ उमरा पैकेज तैयार किया है, जिसके ज़रिए तमाम उलमा इकराम उमरा सफ़र तय कर सकते हैं। अगर कोई उलमा इकराम ख्वाहिशमंद हैं तो अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्टूबर 15 और 20 के लिए भी उमरा पैकेज तैयार हैं। हर महीना इस ट्रैवल्स के जरिए उमरा बुकिंग अवेलेबल रहेगी। अगर आप उमरा के लिए रवाना होना चाहते हैं तो अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्ता कर सकते हैं। इस ट्रैवल का ऑफिस गुलबर्गा दरगाह रोड जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। मक्का शरीफ में जैसे कहा जाता है, काबतुल्लाह पर पहली नज़र दुआ की कबूलियत की है। क्या क्या दुआ मांगना चाहते हैं, सब लोगों के पास अपनी अपनी दुआएं हैं, अपना अपना गर्ज है, लेकिन इस्लामी नुक्ते निगाह से कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी छोटी सोच है, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं दुआओं के लिए तो हमें अंदाज़ा है। पहले लाते हैं कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, 10वीं पास में कि इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है वो, ठीक है 10वीं के लिए दुआ करवा ली आप। फिर उसके बाद 11वीं के लिए आता है, अलग से दुआ करवाता है। 12वीं के लिए अलग से दुआ करवाता है। एजुकेशन के लिए अलग से दुआ करवाता है। फिर उसके बाद नौकरी के लिए अलग से दुआ करवाता है। फिर अच्छी लड़की मिलने के लिए अलग से दुआ करवाता है। फिर उसके बाद औलाद होने के लिए अलग से दुआ करवाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो औरत थी उस तरह से मांगना भी नहीं आता है। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह उस औरत ने क्या मांगा था? कहा कि मस्जिद अक्सा की तरफ रवानगी थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे अपनी कौम को लेकर, रास्ता गुम हो गया, रास्ता मिलता नहीं कि किस रास्ते से उसकी तरफ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत लोगों को पूछा कि ये रास्ता, मतलब मस्जिद अक्सा जाने का रास्ता किधर है, जाने का रास्ता किधर है, इधर उधर गुम हो गया। सारे मजमे में से किसी को भी पता नहीं कि रास्ता किधर है। फिर उसमें से एक शख्स ने कहा कि मुझे रास्ते का पता तो नहीं है, लेकिन उसका पता है जो रास्ता बता सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह से बड़ा है रास्त बात करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते की मालूमात के लिए उस शख्स की रहनुमाई में पहुंचते हैं तो एक खातून के पास जाते हैं, एक औरत के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शायद तुम्हें रास्ता मालूम हो तो तुम रास्ता बताओ। तो वो खातून कहती है कि मूसा रास्ता तो बताऊंगी, लेकिन इसकी उजरत लूंगी, इसकी तनख्वाह लूंगी, बगैर तनख्वाह और उजरत के रास्ता नहीं बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ क्या चाहिए, 1 दिरहम 2 दिरहम, उस जमाने की जो कहानी थी। तो वो कहती है कि दिरहम दिरहम से नहीं है काम, मेरा काम ये है कि कल कयामत में जन्नत में जहां आपका महल होगा उसके बाजू मेरा महल होगा। ये उजरत है रास्ता बताने की, ये उजरत है, मुझे ये चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काम इतना, उजरत इतनी बड़ी। तो कहा कि चाहिए तो बता दूं, ना चाहिए तो आप जाएं, मेरा तो मुद्दा यही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे रास्ते की जरूरत नहीं, रास्ता है कि कैसे मालूम होगा, रब के हुजूर दुआ करते हैं, मेरा रब इरशाद फरमाता है मूसा उसको जन्नत के मैं आपके बाजू महल दे दो, रास्ता बता देगी। आपको अंदाजा नहीं है जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाजू महल का मिलना। अगर मैं ये कहूँ कि आप उम्रे को जाकर आइए, 30-40 का आपको प्लॉट दिया जाएगा, तो शायद सब फौरन तैयार हो जाएंगे। जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले हैं, अंबिया इकराम की वो जगह है, और उसके बाजू डायरेक्ट महल भी होना। उस खातून ने मांगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जा तुझे दिया महल बाजू, अब तो रास्ता बता। तो वो खातून रास्ता बताती है, ये तालाब है, इस तालाब में एक आदमियों को भेजो, यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजार है, इनके यानी ताबूत है, इसको निकालो, जैसे ही इसको निकालेंगे रास्ता खुल जाएगा।
ये रास्ता उसने बताया था। तो मेरे हुजूर ने इस खातून का हवाला देकर इरशाद फरमाया, तुम्हें तो मूसा अलैहिस्सलाम के खातून के मांगने की तरह भी मांगना नहीं आता। तो रब के हुजूर मांगना है तो बड़ा बड़ा मांगो। तालीम के मामले में मांगना है तो क्या मांगना है? ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हुनरमंद तरबियत याफ्ता बच्चा बना। बस इतनी सी मांगो, हुनरमंद हो गया, तरबियत याफ्ता हो गया, फरमाबरदारी भी आ गई इसमें, उसकी रोजी भी आ गई। 10 के लिए अलग दुआ करवाते हो, 11 के लिए अलग, 12 के लिए अलग, फिर बच्ची के लिए अलग, औलाद के लिए अलग, सब छोटे 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 मांगते। वो देने वाला बड़ा है और हम लेने वाले छोटे हैं। मांगो तो बड़ा मांगो। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिसने जो मांगा अगर उसको दुनिया में ना मिला, कयामत में उसका सवाब उसको जरूर मिलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर आपको पैर अपने चौड़े करना है और ये लेफ्ट साइड का जो ये है तहबन का हिस्सा है, इसको इस तरह से लेना है, टाइट कर ले इसको अच्छी तरह से। यह है, समझ में आ रहा आपको? मर्द हजरात देखिए इसको इस तरह से, फिर उसके बाद ये हिस्सा ऐसा कर ले, ये इधर मजबूत हो जाएगा, इसको इस तरह पकड़ ले। पकड़ लेने के बाद बहुत आसान तरीका है, फिर इसको इस तरह पकड़ ले, उसके बाद ये इस तरह लेकर आप इसको टोप ले। साइड का जो हाथ है ना, आपका अहराम बार बार ना खुलने के लिए एक तरीका अच्छा ये है कि आप इसको इसके अंदर टोप ले। ये आप टोप लेंगे, फिर उसके बाद ये हाथ नीचे से ले ले और ये आप उसको ऊपर से डाल ले। ये हो गया आपका अहराम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मजेस्टिक फंक्शन हॉल में अल मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से, जो माह रबीउल नूर में, माह सितंबर में जो हमारे 3 ग्रुप रवाना होने वाले हैं, उसके ज़िमन में एक रोज़ा तरबती कैंप रखा गया था, जो 7 सितंबर को 28 दिन का काफिला निकलने वाला है और 19 सितंबर को 19 दिन का, और 23 सितंबर को जो हमारा डिलक्स पैकेज है, 23 सितंबर को निकलने वाला है काफिला है, उसके ज़िमन में एक रोज़ा तरबती कैंप रखा गया था, जिसमें शहर गुलबर्गा की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला, ख़तीब इमाम जामा मस्जिद खतीजतुल कुबरा ने बहुत ही आहसन अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से आज़मीन हरमैन शरीफ़ैन की तरबियत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स का सितंबर में ये 3 ग्रुप रवाना होने वाले हैं और माह अगस्त में अल्हम्दुलिल्लाह 4 ग्रुप सफ़र कर चुके हैं और चौथा ग्रुप हमारा मक्कतुल मुकर्रमा में है। अल्लाह की फजल करम से शहर गुलबर्गा में अल मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स बहुत अच्छे खिदमात लेकर अवाम के बीच में उतरा है और अवामुन्नास की खिदमत कर रहा भी है। आप शहर गुलबर्गा के अलग अलग इलाकों से हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स अल मिसबा के ताल्लुक से आप तासुरात और फीडबैक भी ले सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ शहर गुलबर्गा के लोगों से, हम अक्टूबर में बहुत अच्छे पैकेजेस लेकर शहर में उतर रहे हैं। हमारा 7 अक्टूबर को एक सुपर सेवर पैकेज है जो 82,000 का हमने उसका कॉस्ट रखा है, जिसमें हमने ख़ास उलमाए कराम के लिए खुसूसी रियायत के साथ इस ग्रुप को, इस पैकेज को हमने बनाया है। जो हजरात अक्टूबर के महीने में हमसे सफ़र करना चाहते हैं, 7 अक्टूबर के लिए हमारे से बुकिंग करवाएं। और इसके अलावा अक्टूबर में और 2 हमारे ग्रुप्स निकलने वाले हैं, जो 15 अक्टूबर की डेट है और 20 अक्टूबर की डेट है। इन तारीखों में जो हजरात हमसे सफ़र करना चाहते हैं अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से राबता करें। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर नज़र आ रहा है, फ़ोन के ज़रिए भी आप मालूमात ले सकते हैं। और हमारा एड्रेस है अल मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स, जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पम्प, दरगाह रोड, गुलबर्गा शरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।